वो एक शानदार विकेटकीपर थे और उनकी बल्लेबाजी की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। उनकी जगह लेने न जाने कितने खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। इसके अलावा उन्हें खेल भावना का सम्मान करने के लिए भी याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों में डर पैदा कर देने वाले ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के बारे में। हालांकि वो वर्ष 2008 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज पैदा नहीं हुआ। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते थे और अकेले ही किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते थे। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या एक दिवसीय क्रिकेट, उन्होंने कई बार अकेले ही अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। तो आइए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। एडम गिलक्रिस्ट का जन्म 14 नवंबर 1971 को ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के एक शहर वेलिंगटन में हुआ था। उनका पूरा नाम एडम क्रेग गिलक्रिस्ट है। उन्हें लोग प्यार से गिल्ली या चर्ची के उपनामों से भी बुलाते हैं। वो अपने चार भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता का नाम स्टैनली गिलक्रिस्ट और माता का नाम जून गिलक्रिस्ट है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए डेनी लिंकन साउथ पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और वहीं से वो क्रिकेट की तरफ आकर्षित हुए। वो स्कूल के दिनों से ही काफी अच्छा क्रिकेट खेलते थे और इंटर स्कूल टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ब्रायन टेबर शील्ड भी जीता, जो न्यू साउथ वेल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हेडली ब्रायन टेबर की याद में दिया जाता है। जब गिलक्रिस्ट 13 साल के थे, तभी उनका परिवार लिस्मोर आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए करीना हाई स्कूल में दाखिला लिया। चूंकि वो क्रिकेट तो काफ़ी अच्छा खेलते ही थे, तो इस वजह से वो स्कूल के क्रिकेट टीम में भी शामिल कर लिए गए और बाद में स्कूल क्रिकेट टीम के कप्तान भी बना दिए गए। जल्द ही वो स्टेट अंडर 17 टीम में भी चुन लिए गए और फिर साल 1989 में लंदन बेस्ड रिकमंड क्रिकेट क्लब द्वारा स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किए गए। स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान क्रिकेट में ही लगा दिया और जूनियर क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन करने लगे। जूनियर क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें सीनियर क्रिकेट टीम में आने का मौका दिया और साल 1991 में उन्हें इंग्लैंड के दौरे में जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूथ टीम में शामिल किया गया, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए 3 टेस्ट मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक बनाए। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी से बुलावा आ गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में रहते हुए उन्होंने अपने कोच और सीनियर खिलाड़ियों से खेल की कई बारीकियां सीखी और अपने खेल को और भी बेहतर बनाया। इसी बीच उन्हें सीजन 1992-93 में न्यू साउथ वेल्स की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि उस सीजन में उन्होंने एक बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि उस टीम में पहले से ही फिल एमरी बतौर विकेटकीपर खेल रहे थे। उन्होंने उस सीजन में 30.44 की औसत से 274 रन बनाए और न्यू साउथ वेल्स टीम को सेफील्ड शील्ड जीतने में मदद की। हालांकि इसके बाद भी वो टीम में दोबारा अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे, पर हर बार गिलक्रिस्ट को चयनकर्ताओं द्वारा नज़रअंदाज किया गया। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 1994 में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स टीम को छोड़कर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज्वाइन किया और सीजन 1994-95 में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से बतौर विकेटकीपर बैट्समैन खेलते हुए कई धमाकेदार पारियां खेली। उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें साल 1996 में ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल कर लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए टीम के लिए भी खेलते हुए कई लाजवाब पारियां खेली। इस दौरान उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एक दिवसीय नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया और इस तरह 25 अक्टूबर 1996 को उन्हें तत्कालीन विकेटकीपर इयान हिली के चोटिल हो जाने के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ फरीदाबाद में एक दिवसीय क्रिकेट में अपना डेब्यू करने का मौका मिला। अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में वो मात्र 18 रन बनाकर एलन डोनाल्ड की गेंद में बॉल्ड आउट हुए। इसके बाद इयान हिली टीम में वापस आ गए और गिलक्रिस्ट को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा। साल 1997 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दिवसीय सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका गई, तो इयान हिली को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ निजी कारणों की वजह से टीम से सस्पेंड कर दिया और उनकी जगह दी गई एक बार फिर से एडम गिलक्रिस्ट को। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और इस सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली और अपना पहला एक दिवसीय अर्धशतक भी बनाया। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेक्सिको ट्रॉफी में भी खेलने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। इसके बाद जब हिली अपना सस्पेंशन पीरियड खत्म करके वापस आए, तब तक गिलक्रिस्ट टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी जगह पक्की कर चुके थे। 1997-98 के ऑस्ट्रेलिया सीजन की शुरुआत में इयान हिली और कप्तान मार्क टेलर को एक दिवसीय टीम से बाहर कर दिया गया और ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने गिलक्रिस्ट और माइकल डी वेनिटू को चुना।
इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने सिलेक्शन पॉलिसी में बदलाव करते हुए ये घोषणा कर दी कि एक दिवसीय टीम और टेस्ट टीम का सिलेक्शन अलग अलग होगा और इन दोनों फॉर्मेट के प्लेयर्स भी अलग अलग होंगे। इस वजह से गिलक्रिस्ट को एक दिवसीय टीम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज जगह दी गई और इयान हिली को टेस्ट टीम में रखा गया। इसके बाद टीम ने एक और बदलाव किया, उन्होंने गिलक्रिस्ट को मार्क वाह के साथ ओपनिंग करने का मौका दिया। इससे पहले गिलक्रिस्ट 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे जहां उन्हें काफ़ी कम गेंदें खेलने को मिलती थी। गिलक्रिस्ट ने एक बार फिर इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया और ओडीआई ट्रायंगुलर सीरीज के दूसरे फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली और अपना पहला एक दिवसीय शतक भी बनाया। इसके बाद ओपनर के तौर पर उनकी जगह पक्की हो गई। फरवरी 1998 में उन्होंने न्यूजीलैंड टूर में पहले एक दिवसीय मैच में एक बार फिर शानदार शतकीय पारी खेली और 118 रन बनाए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच बड़ी ही आसानी से 7 विकेट से जीत लिया। उन्होंने इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा 200 रन बनाए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला स्टंप आउट भी किया। उन्होंने ये कारनामा सीरीज के दूसरे मैच में गेविन रॉबर्टसन की गेंद पर नेथन एस्ले को आउट करके किया। इसी साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया की टीम शारजाह में कोका कोला कप खेलने गई, जो कि एक 3 नेशन ODI सीरीज थी जहां ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और न्यूजीलैंड की टीमें थी। इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची पर भारत से हार गई। इस सीरीज में भी गिलक्रिस्ट ने अच्छी बल्लेबाजी की और 149 रन बनाए और विकेट कीपिंग करते हुए 9 खिलाड़ियों को आउट भी किया। इसके बाद सितंबर 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सिल्वर मेडल जीता। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहला और आखिरी मौका था जब क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची पर साउथ अफ्रीका से हार गई। इसके बाद बारी आई साल 1999 की वर्ल्ड कप की और इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कई उपयोगी पारियां खेली और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 36 गेंदों में 54 रनों की लाजवाब पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान टेस्ट मैचों में इयान हिली के लगातार खराब प्रदर्शन ने उन्हें टेस्ट टीम में भी आने का मौका दिया और इसी साल नवंबर 1999 में उन्होंने गाबा में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला। अपने पहले टेस्ट की पहली पारी में ही 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 81 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और चयनकर्ताओं के फैसले को सही साबित किया। गिलक्रिस्ट के टेस्ट टीम में आ जाने से अचानक ही सुस्त पड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में जबरदस्त बदलाव आया और ये टीम जल्द ही दूसरी टीमों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगी। साल 2000 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गिलक्रिस्ट ने तीसरे मैच के दोनों पारी को मिलाकर 10 कैच पकड़े। ये क्रिकेट इतिहास में एक विकेट कीपर द्वारा किया गया तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और एक ऑस्ट्रेलियाई द्वारा किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उनके शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और साल 2000 के अंत तक उन्हें टीम की उपकप्तानी भी सौंप दी गई। इसके बाद बारी आई साल 2001 की एशेज सीरीज की और इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भी गिलक्रिस्ट ने अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाई और 5 मैचों की श्रृंखला में 68 की रन औसत से 340 रन बनाए और 26 खिलाड़ियों को पेवेलिन भेजा। उनकी इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने ये एशेज सीरीज 4-1 से जीत ली। साल 2002 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की टीम उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अब उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसी बीच साल 2003 का वर्ल्ड कप भी आया। इस वर्ल्ड कप में तो गिलक्रिस्ट ने कमाल का प्रदर्शन किया और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से टीम को लगभग सभी मैचों में तेज शुरुआत दी और इसकी मदद से इस विश्व कप में एक भी मैच ना हारने का रिकॉर्ड बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल में भारत को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस वर्ल्ड कप में गिलक्रिस्ट ने 10 मैचों में 4 अर्धशतकों की मदद से 408 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकी पोंटिंग के बाद दूसरे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और ओवरऑल 4th नंबर पर रहे। गिलक्रिस्ट क्रिकेट को पूरे आदर और सही भावना के साथ खेलते थे, हालांकि वो ग्राउंड में स्लेज करते थे पर अपने दायरे में रहकर, क्योंकि वो मानते थे कि ये गेम का ही एक पार्ट है। परंतु वो कभी चीटिंग नहीं करते थे और जब भी उन्हें लगता था कि वो आउट है वो अंपायर की ओर देखे बिना ही ग्राउंड से बाहर चले जाते थे, चाहे वो मैच कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। इसका एक सटीक उदाहरण हमें साल 2003 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में देखने को मिला, जब श्रीलंका के गेंदबाज अरविंद डिसिल्वा ने गिलक्रिस्ट को गेंद फेंकी। गिलक्रिस्ट ने स्वीप करने की कोशिश की और गेंद हवा में उछल गई, जिसे विकेट कीपर कुमार संगकारा ने पकड़ लिया और कैच की अपील कर दी। अंपायर थे रूडी कोर्टजन, उन्होंने उस अपील को नकार दिया, पर उसी वक्त लोगों ने देखा कि गिलक्रिस्ट पेवेलियन की ओर जा रहे हैं। बाद में टीवी रिप्ले पर देखने से पता चला कि गेंद गिलक्रिस्ट के दस्तानों पर लगी थी। इस तरह उन्होंने कई बार अपनी खेल भावना का उदाहरण लोगों के सामने रखा। फिर साल 2007 का वर्ल्ड कप आया और इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी बल्ले की धाक दिखाई। ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद
उन्होंने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 104 गेंदों में 13 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 149 रन की वो विस्फोटक पारी खेली जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 58 रनों से हराते हुए ये वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। इस वर्ल्ड कप में गिलक्रिस्ट ने 11 मैचों में 2 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से 453 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेडन और रिकी पोंटिंग के बाद तीसरे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और ओवरऑल 7वें नंबर पर रहे। क्रिकेट जगत में अपनी मौजूदगी से गेंदबाजों में एक डर का माहौल पैदा करने वाले और बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इस शानदार खिलाड़ी ने 26 जनवरी 2008 को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, परंतु घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। हालांकि उनके रिटायरमेंट की घोषणा से पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया क्योंकि क्रिकेट विश्लेषकों का मानना था कि उम्र के इस पड़ाव में भी गिलक्रिस्ट बाकी क्रिकेटरों की तुलना में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को और भी बहुत कुछ दे सकते थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर केविन रड ने उनसे अपने रिटायरमेंट को लेकर दोबारा विचार करने को भी कहा था। बाद में गिलक्रिस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ये फैसला तब लिया जब उन्होंने फाइनल टेस्ट की पहली इनिंग में ब्रेटली की गेंद पर भारत के कलात्मक बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का कैच ड्रॉप कर दिया था। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझ में पहले की तरह चपलता भी नहीं है। इसी ने मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। गिलक्रिस्ट के रिटायरमेंट ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एक सुनापन ला दिया। इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में कई विकेट कीपर बल्लेबाज आए और गए, पर गिलक्रिस्ट की कमी को कोई पूरा नहीं कर सका और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेगी। वो आईपीएल में पहले 3 सीजन डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की टीम की ओर से खेले और साल 2009 में उन्होंने अपनी टीम को आईपीएल का विनर भी बनाया। उसके बाद सीजन 2011 में उन्हें किंग्स 11 पंजाब ने अपनी टीम में ले लिया और साल 2012 के आईपीएल सीजन के अंत में उन्होंने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आइए एक नज़र डालते हैं गिलक्रिस्ट के अब तक के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर पर। उन्होंने 96 टेस्ट मैचों में 17 शतकों और 26 अर्धशतकों की मदद से 5,570 रन बनाए हैं जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 204 रन है। वहीं 287 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 16 शतकों और 55 अर्धशतकों की मदद से 9,619 रन बनाए हैं जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 172 रन है। बल्लेबाजी के साथ साथ वो एक बेहतरीन विकेट कीपर भी थे। विकेट कीपिंग की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 379 कैच पकड़े और 37 स्टंप आउट किए। वहीं एकदिवसीय मैचों में 417 कैच पकड़े और 55 स्टंप आउट किए। चलिए अब एक नज़र डालते हैं गिलक्रिस्ट के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट को मिलाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट के पीछे कुल 906 शिकार किए हैं और ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले क्रिकेटर हैं। वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। वो विश्व के पहले विकेटकीपर बैट्समैन हैं जिन्होंने लगातार 3 विश्व कप फाइनल मैच में 50 से ऊपर रन बनाए हैं और तीनों ही बार उनकी टीम विश्व कप विजेता बनी है। वो विश्व के पहले विकेटकीपर बैट्समैन भी हैं जिन्होंने 170 रनों से ज़्यादा की पारी खेली है और उन्होंने ये रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रनों की आतिशी पारी खेलकर बनाया था। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2002 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। साल 2003 में उन्हें एलन बॉर्डर मेडल देकर सम्मानित किया गया। साल 2005 में गेंदबाजों के द्वारा किए गए वोटों के अनुसार उन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में पहले नंबर पर रखा गया था। साल 2012 में उन्हें स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई और साल 2013 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने स्कूल टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड रही मेलिंडा शार्प से विवाह किया और उनसे उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम हैरिसन गिलक्रिस्ट और टेड गिलक्रिस्ट है और बेटी का नाम आर्ची गिलक्रिस्ट और एनी जेन गिलक्रिस्ट रखा है। फिलहाल वो एक टीवी चैनल के साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट्री भी करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी विश्व क्रिकेट में अपने शानदार खेल से कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले साथ ही साथ लाखों युवाओं के आदर्श क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।